वेलकम टू द थर्ड डे गाइज। आज हम कर रहे हैं नागपुर से झांसी, राइट? ग्वालियर रोड हिट कर रहे हैं। सुबह जो बोलते शाम तक वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब हम चल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग माइंड से कि भैया डेस्टिनेशन पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि बहुत लैग कर जाएंगे अदरवाइज। तो सारी बाइक्स हो गई रेडी, सब हो गया, टकाटक पैक हो गया सारा कुछ। अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा हाईवे हिट करेंगे NH 44। तो सो फार सो गुड, चलिए मिलते हैं आपको रोड्स पे। तो हे गाइस, राइड हो गई है चालू और हम हिट कर दिए हैं NH 44 टूवर्ड्स ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मनी, जय माता दी। इस शहर से निकलने का मन तो नहीं कर रहा, संतरों का शहर से, बट निकलना तो पड़ेगा ही। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है नैना, तो निकलना तो पड़ेगा ही। चलिए निकलते हैं यहाँ से और अपने आवारापन को एक नए अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, झांसी से नागपुर कुछ है 599 किलोमीटर और अब हम निकल चुके हैं रास्ते पे, मतलब रास्ता बोले तो NH 44 पे, और इसी रास्ते को हम सीधा सीधा पकड़ के पहुंचेंगे झांसी। लेकिन देखते हैं, ट्राई करेंगे अगर झांसी से आगे अगर ग्वालियर पहुंच सकते हैं तो वो भी हम पूरा ट्राई करेंगे। सो फार सो गुड, देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें इस रास्ते पे। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मस्त हाईवे मिला है हमें NH 44 पे, और भाई इतनी लोडेड गाड़ियाँ लेके इस पे भगाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो हम बहुत ही अच्छे स्पीड में जा रहे हैं, पूरा लाइनअप है, बट सामने से लोग आ रहे हैं और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। पूरी की पूरी हमारी लाइनअप जो है, अपने जितने भी राइडर्स हैं सारे इंटरकनेक्टेड है इंटरकॉम पे। और देखो, तीन लोग जा रहे हैं एक बाइक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब क्यों करते हैं ऐसा लोग, हाईवे है यार ये NH 44 है, इतनी तगड़ा हाईवे है, ना हेलमेट पहना है लोगों ने ना कुछ। तो इसी के लिए भाई हम तो बहुत सेफली राइड कर रहे हैं, एकदम मेंटेन करके चल रहे हैं स्पीड, और रास्तों का मजा ले रहे हैं। आप जैसे देख सकते हो रास्ते, मतलब हर स्टेट के साथ अपना कलर चेंज कर रहे हैं, और इन टारमैक ऑफ रोड और सीमेंटेड रोड पे चलाने का भी मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते जाइए, इस व्लॉग में बने रहिए, और भी मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो चलिए, सो फार सो गुड। ये कैमरा भी थोड़ा टिल्ट हो गया, इसको भी ठीक ही कर लेता हूँ मैं। चलो सी यू। तो दोस्तों, यहाँ हम रुक गए हैं अपना पहला फ्यूल अप के लिए, और ये हम हैं अभी फ़िलहाल तो शायद MP में, और रोड्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रोड्स बहुत ही चकाचक लग रहे हैं, और लाइनअप पे मनी आगे है, उसके पीछे विनोद है, फिर मैं हूँ, फिर नीतीश जी है। तो ऐसे ही चल रहा है अपना लाइनअप, और यहाँ से करेंगे पेट्रोल फुल, और उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से फटाफट से। चलिए उतर जाते हैं बाइक से, और गर्मी यहाँ पे बहुत ही तेज़, एकदम दिमाग ख़राब गर्मी। वैसे MP और UP की तरफ आओगे तो थोड़ी गर्मी पड़ती ही है, थोड़ा तो सहना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ विनोद और हमारा से पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, बट मेरा माइक काम करना बंद कर दिया अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप देख सकते हो हमारे के एक्सप्रेशन और विनोद का एक्सप्रेशन। तो चलिए पेट्रोल डलवा ही लेते हैं। तो एक्चुअली हमारा डिस्क्राइब कर रही है, मतलब एक्सप्लेन कर रही कि कैसे उसने ट्रक रोकी जब मेरा GoPro गिरा, जो फुटेज और वो फुटेज मैं आगे दिखाने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई थी, मैंने वो फॉरेस्ट क्रॉस कर रहा था जिसका B-roll सभी अभी आपने पीछे देखा,
उस टाइम पे मेरा गोप्रो गिर गया था, अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ग्लिम्स है उस, मतलब गिरने के तो नहीं, मतलब उठाने के, तो वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। बस 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 भैया इतना ही हो गया फुल। तो दोस्तों हमारा पेट्रोल भी हो गया है फुल, हमने करा ली है अपनी पेट्रोल गाड़ी की फुल, अब निकलेंगे हम यहाँ से आगे की तरफ। चलो तो कल पेट्रोल था हमारे पास और आज हुआ है 764 रुपीज़ का पेट्रोल, मतलब 764 में फुल हो गया है, हाफ टैंक आई थिंक था कल। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा खींचते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है बाइक पे। और सो फार सो गुड, चलिए निकलते हैं यहाँ से एक थोड़ा पानी ब्रेक लेके। और दोस्तों क्या व्यू है यहाँ पे, देख सकते हो आप, माउंटेन्स भी है, ग्रीनरी भी है और बहुत तगड़ा टारमैक। तो जैसे कि दोस्तों ग्वालियर तक का रास्ता और बहुत ही मजेदार, ये NH44 में आता है और दोनों तरफ से आप पूरा सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखेगी और मस्त रोड, टामेक और सीमेंटेड, बोथ द रोड्स आर सेम, बहुत ही बटरी स्मूथ, मज़ा आ रहा है चलाने में। करंटली हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं आराम से 100-110 पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। A few inches later. अरे भागो 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 भागो, अरे भाई कांड हो गया कांड, और यहाँ पे गिर गया है मेरा कैमरा, मतलब मेरा GoPro Hero 7 जो कि मैंने फ्रंट माउंट किया था। इससे पहले वाला जो फुटेज आप देख रहे थे, जो फ्रंट कैमरे पे आ रहा था मस्त बाइक राइड करते हुए एकदम तगड़ा वाला एंगल, वो यहाँ पे गिर चुका है और इसकी हालत हो चुकी है ख़राब। एक्चुअली ये जिस माउंट पे माउंटेड था, ये देखो नीचे से पूरा उखड़ गया है। और चलिए इसको ऑन करके भी देख लेते हैं, वो ऊपर से भी गया है। थैंकफुली स्क्रीन पे कोई भी स्क्रैच क्रैक कुछ नहीं आया और कैमरा भी ऑन हो गया है, तो लकी मी हो गया सब कुछ आराम से, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कुछ टूटा फूटा नहीं। इसको अब मैं चुपचाप से इसको अपने टैंक बैग में रख देता हूँ और निकलते हैं यहाँ से, बहुत गाली पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ मैंने डाल दिया अपना कैमरा टैंक बैग के अंदर और आगे मनी हमारा, नीतीश जी और विनोद खड़े हैं, तो चलिए जाके वहाँ उनसे बात करते हैं थोड़ा बहुत क्या हो गया हमारे साथ इस राइड पे। लेकिन थैंकफुली कैमरा को कुछ नहीं हुआ, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो यहाँ पे हमारा विनोद, मनी और नितीश जी खड़े हैं और ये लोग पूछ रहे हुआ क्या, हमारा एक्सप्लेन कर रही है कैसे उसने ट्रक रोका और मेरे GoPro को बचा लिया। ये देख सकते हो आप, मैंने अभी जैसे हाथ पे दिया है विनोद के कैमरा और नीचे से पूरा टूट गया है। और टेंशन की वैसे तो कोई बात नहीं थी, तो सारे चिल ही थे। अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको माउंट किस तरीके से, कितनी बुरी तरीके से टूटा है। That was not expected, but क्या ही कर सकते, tragedy तो होते रहती है, this is a part of adventure। यहाँ मैं, विनोद और हमारा seriously इसके बारे में बहुत अच्छा खासा discussion कर रहे थे, but unfortunately जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा का माइक मेरा काम नहीं किया, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो
रोड है, ये दोनों तरफ से ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये फेंस किया गया है, और ये एक फॉरेस्ट के बीच से जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसी रास्ते पे मेरा घोपरो भी गिरा, लेकिन थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। तो दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये है, मतलब ये एक पैच है जो कि आपको झांसी जाने के टाइम पड़ेगा ही अगर नागपुर से आप झांसी आप जा रहे हो, क्योंकि अभी अभी रास्ता बन रहा है। बट एक बार ये रास्ता बन जाए तो कसम से ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे आप अपने पहले वाले फुटेजेस देखे हैं वहाँ पे रास्ता एकदम बहुत ही चकाचक एकदम बटरी स्मूथ था, और वही चीज़ एक्सटेंड कर रहा है गवर्नमेंट अपना यहाँ पे। तो ये थोड़ा छोटा सा पैच है जो कि मैंने शायद दूसरे व्लॉग्स में भी देखा है कि लोग बता रहे थे कि ये पैच थोड़ा मतलब थोड़ा ऑफ रोड है, तो चलिए इसका भी मज़ा ले ही लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो बहुत ही स्टीप रास्ता है और साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और ये जो धूल मिट्टी जा रही है ना मुंह के अंदर, मतलब थैंकफुली मैंने अपना वाइज़र लगा रखा है क्योंकि वाइज़र के बिना तो भाई कुछ दिख नहीं सकता। ओ बाप रे बाप, देखो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा पूरा लिफ्टेड हाईवे बना रहे हैं, मतलब लिफ्टेड बोले तो एविलेटेड हाईवे बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो यार सिर्फ फ्लश ही फ्लश, मतलब गीली मिट्टी, उसमें ग्रिप लेने में बहुत दिक्कत होती है अगर, तो भाई हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन कोई नहीं सह लेंगे। तो हे गाइस, हमने लिया है यहाँ पे टी ब्रेक, बहुत ही लंबा स्ट्रेच खींचा है नितिश जी, 165 किलोमीटर का स्ट्रेच खींचा है मस्त। बीच में ऑफ रोड था तो थोड़ा उस पर टाइम चला गया, बट ऑल एंड ऑल मज़ा आया। वो ऑफ रोड का पैच आपने देख लिया होगा, बहुत ही मैं उसको बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा, मैं जैसा है वैसे ही डाल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। अगर आप ये रूट कर रहे हो तो आपको पता रहे कि अभी उस रोड की क्या हालत है। तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि स्ट्रेट रोड है और थोड़ा बोरिंग सा रोड है, तो नींद आ रही थी तो हमने ब्रेक ले लिया है। तो यही 10-15 मिनट का ब्रेक है, चाय आ गई है, चाय पीते हैं फटाफट, उसके बाद निकलते हैं सीधा यहाँ से और भगाते हैं गाड़ी। तो नितीश जी कैसा रहा? अरे यार वो जो ऑफ रोड एक्सपीरियंस था वो तो मज़ेदार था बाबा की, हाईवे प्लेन स्ट्रेट बोरिंग सा है तो दो चार बार झपकी लगी। है कि तुम हाँ, ट्रैफिक भी नहीं है यार कि आप अलर्ट रहो। हाँ मतलब पूरा खाली सीधा पड़ा खाली हाईवे है, कोई छोटे छोटे गांव भी नहीं, जैसे कर्नाटक में होते हैं कि बीच में साइकिल क्रॉस कर रहा है कोई, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा स्ट्रेट हाईवे है, भगाते रहो बट केयरफुल, नींद ना आ जाए बस भगाते भगाते, इसीलिए उसी से बचने के लिए चाय पी रहे हम लोग। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से, सी यू ऑन रोड, बाय। तो हो गया है हमारा चाय ब्रेक ख़त्म और यहाँ से निकल रहे हैं हम फाइनली, और छोटा सा ब्रेक बोलते बोलते हो गया कुछ 30 से 40 मिनट का ब्रेक, बट ठीक है बाइक और शरीर दोनों को ही थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है। चलो फटाफट से पहन लेता हूँ मैं अपने ग्लव्स और निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं रोड पे क्या आगे हमें मिलता है। तो भाई एक ब्रेक लेने के बाद बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम बॉडी एकदम रिफ्रेश सी हो जाती है। अब तो यहाँ से निकलना है और फटाफट हमें पहुँचना है झांसी या फिर क्रॉस करना है झांसी, पता नहीं आगे चल के क्या क्या होने वाला है। वैसे तो ये व्यू बहुत ही तगड़ा लग रहा है, रोड भी बहुत तगड़े लग रहे हैं, और थोड़ी गर्मी तो है भाई, तो स्लीव्स थोड़े खोल लेते हैं और मज़े करते हैं इस रोड पे। आगे हमारे मनी एकदम लीडिंग पे है, तो चलो देखते आगे हमें और क्या क्या मिलता है इस रास्ते पे, स्टे कनेक्टेड गाइस। तो दोस्तों झांसी है यहाँ से 219 किलोमीटर्स, आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया है बड़े आराम से, अब बस 219 किलोमीटर करेंगे और पहुँच जाएंगे झांसी बिना कोई टेंशन के। लेकिन भाई मैं बताना चाहता हूँ इस रास्ते में, इस हाईवे में, एमपी के हाईवे में भाई ये गाय इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है हमें कि क्या बताएं। हम 100 पे होते और अचानक से हमें स्पीड
40-50 पे आ जाना पड़ता है और कभी कभी तो रोक भी देना पड़ता है गाड़ी, क्योंकि पता नहीं कभी भी कहीं से भी गाय आ रही है। तो इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इवन बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो रुक रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो सहना तो पड़ेगा ही दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, एकदम मजा आ गया। सनसेट का टाइम है और एकदम स्ट्रेट हाईवे, एकदम मक्खन वाला हाईवे, और ये पीछे हमारा विनोद, ये गए आगे अब, और उसके पीछे शायद नीतीश जी गए, और लाइनअप हमारा बहुत सही चल रहा है। दिन ढलने को आया है, अब लगता है रात की राइड करनी पड़ेगी, धीमी धीमी जो बोलते हैं ना धूप, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने का। तो चलिए आगे पहुँचते हैं, मेरे को लगता है आगे शायद रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा क्योंकि लाइट जा रही है और अंधेरे में मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे, सी यू। और मैंने बस कैमरा बंद ही किया था कि थोड़े दूर बाद ये जो व्यू मुझे देखने को मिला, देख सकते हो प्रॉपर सनसेट हो रहा है यहाँ पे, और इससे बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा है दोस्तों, कसम से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप जब तक इस लंबे राइड पे नहीं आओगे तब तक आपको ऐसा एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। राइड करो और लो मज़ा ऐसे ऐसे व्यूज का। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ, 85 किलोमीटर से। चलिए यहाँ से निकलते हैं, ये थोड़े भाई लोग हमें मिल गए, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें। क्या बोल रहे थे, क्या हुआ, तू कह रहा था खाना खिलाता हूँ, चलो साथ। चलिए बोरिंग रोड है तो होटल पहुँच के आपसे बात करते हैं। तो हे गाइस, हम पहुँच गए झांसी फाइनली, और हम अपने रूम में हैं और खाना वाना का प्रोग्राम है, देख लो खाना वाना है, आंखों से समझ सकते हो कितनी थकावट है। नीतीश जी कैसा रहा वो राइड? अरे राइड तो मतलब समझ लो 99% तगड़ा रहा, बस लास्ट का जो 1% था ना वो क्या बोलते हैं चावल में कंकड़ नहीं, तो पता नहीं है, खीर में, खीर में मुहावरा याद नहीं आ रहा। अच्छा, दाल में काला कुछ इसी टाइप का चीज था वो लास्ट, दाल में जीरा धनिया जो भी, अरे बिरयानी में इलायची। तो भाई ये देखो खाना वाना हो रहा है, तो नीतीश जी आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, खाते पीते हैं उसके बाद सो जाते हैं, बहुत जोर से नींद आ रही है, बहुत थक गए आज, कल सुबह निकलना है। चलो बाय बाय, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटा बजाएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर आ गए, बहुत बहुत दूर आ गए, इतनी दूर आ गए इतना मेहनत करके, तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ठोकी दो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।